Good morning my dear students. Today you also are going to study your book Looking Around Environmental Studies. Dear students, today you also have to study chapter six. As you all can see, foods we eat. The students, as you all can see here, there are some children who are talking to each other about foods. As you also can see here, first children says, "Last night I ate a chapati made of bajra with Zagri gar." And girl uh, says here, "I cooked dal and rice." And uh, this girl says here, "Yesterday no food was cooked in my house." And uh, Jules can see here other boys, other boys say here says here. I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. Ami had cooked. all can see this girl says here. Ami had cooked kheer and puri, puri, which I don't like, so I ate an omelette instead. माई मदर कुकड फिश दिस गर्ल्स एज़ माई मदर कुकड फिज़ आई एट लोर्ड्स ऑफ इट आई वॉज रियरी टेस्टी माई मदर ब्राउड नूडल्स फोरस फ्राम द हाउस वेयर सी बॉक्स वी इंजॉयड इटिंग इट डेस्टूडेंट्स देने जोर्ल्स कैन सी है कि यहाँ पर जो है सभी बच्चे अपने अपने पिछले रात को वह सब क्या खाए हैं वो सभी बातें बता रहे हैं किसी ने चपाटी तो किसी ने दाल राइस को कुक किए तो, तो किसी ने तो किसी घर में खाना ही नहीं पका तो कोई जो है गुरुद्वारा में जाकर अपने ग्रैंड मदर के साथ लंगर में चपाटी खाते हैं दाल चपाटी इति इटी तो इस तरह से ये सभी अपने अपने खाना खाने फूड्स के बारे में बातें कर रहे हैं वट डिड यू ईट यस्टरडे राइट इट ऑन द प्लेट सोन बिलो स्टूडेंट्स आपने क्या लास्ट नाइट को खाए हैं यहाँ पे आपको फील करनी है इस डिस में नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल फूड्स आइटम्स दैट यू हैव रिटर्न ऑन योर प्लेट अब इन सभी नामों को जो है आपको ब्लैक बोर्ड में भी राइट करनी है जे स्टूडेंट्स इस तरह से आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन है जिसको जो है आपको खुद ही सॉल्व करनी है योर सेल्फ डे स्टूडेंट्स नाउ वी ऑल्स हैव टू स्टडी पीपुल्स फैमिली अबाउट बीपुल्स फैमिली इन पीपुल्स फैमिली देर आर सम मेम्बर्स हु डोंट इट वट पीपुल इट्स डू यू थिंक दिस पीपुल डोंट इट और कैन नॉट इट वट पीपुल इट्स डे स्टूडेंट्स एज ऑल्स कैन सी हेयर की पीपुल के फैमिली की अगर बात की जाए तो उसके फैमिली में जो है पीपुल अगर कोई चीज़ ऐसा कोई चीज़ को जो है वो इट करता है तो कुछ ऐसे मतलब कि फूड्स को ईटिंग करता है जिसको जो है उनके घर परिवार के कुछ मेंबर जो हैं उसको नहीं खाते हैं क्या आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि वो खाते नहीं या खा नहीं सकते हैं उस फूड को यहाँ पे आपको सोचनी है लेटस रीड अबाउट बिपुल्स फैमिली चलते हैं उसके फैमिली के बारे में पढ़ने अली टर्निंग होम फ्रॉम म स्कूल बिपुल अबाउट अ भुट्टा कॉर्न कॉप जब जो है बिपुल्स जो है अपने घर की तरफ लौटता है स्कूल से तो वो से भुट्टा खरीदता है ओके ही रिज्ड एट होम ही रिज्ड होम एंड आस्क हिज मदर वेयर इज चुटकी आई वॉन्ट टू सी हर जैसे वो घर पहुंचता है तो बोलता है मदर से कि मम्मी चुटकी जो है चुटकी जो है कहाँ है मैं उसे देखना चाहता हूँ हिज मदर रिप्लाइड चुटकी इज इन रूम ऑफ स्टेयर जोल्स देन हिज मदर जो है हर सॉरी मदर जो है वहाँ पे रिप्लाई देते हैं कि वो जो है ऊपर के रूम में है पीपल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड यू ऑल्सो कम अपर विथ मी हिज मदर स्टॉक आई हैव है पार्टी इन दल यहाँ पे देख सकते हैं कि विपुल से अपने ग्रैंड मदर को मदर के हाथ को पकड़ के वो बोलते हैं कि आप भी ऊपर चलिए आप मेरे साथ बट हीस मदर स्टुप ही इन लेट हर फर्स्ट मील उसके बाद उनकी मदर जो है वहाँ पे उनको स्टॉप करते हैं यहाँ पे जो है आई है बाज सपाटी इन द लेट हर फर्स्ट हैव हर मील यहाँ पे बोलते हैं कि मैं जो हूँ सॉफ्ट हो गया हूँ ये दाल में चपाटी इत्यादि को सुनकर देखकर लेटर फर्स्ट भर मील चलते हैं सबसे पहले उनके इस मील को जो है हम लोग सबसे पहले ईटिंग करते हैं या उनके बारे में देखते हैं जानते हैं हैवी फूड शुगर इन दाल आप कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉर इन आवर आवन वे ऑफ मैकिंग फूड सेट दादी टू बीपुल्स मदर यहाँ पे उनकी मदर से दादी बोलती हैं बिपुल के मदर से कि आप जो है कभी दाल में शुगर डाले हुए हैं आफ्टर कमिंग टू नागपुर नागपुर से आने के बाद यहाँ पे आप जो है आकर कभी दाल में जो शुगर कभी पुट किए हैं डाले हुए हैं आप जो है इस वे को जो है इस तरीका को जो है आप भूल चुके हैं आई हैव टेस्टेड द दाल इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल रिप्लाइड पीपुल्स मदर यहाँ पे जो है एजोल्स कैंसियर की दिपिल की मदर जो है यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने दाल को टेस्ट किया बहुत ही टेस्टेड है अच्छा लगा आई इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल या अच्छी तरीके से पकाई गई है बनाई गई है बिपुल की मदर बोलते हैं बोलती है पीपल्स पिकड अप हिज ग्रैंड प्लेट एंड रैन अप स्टेयर ही टू फ्लो हिम क्विकली पीपल जो है ग्रैंड मदर का प्लेट जो है तुरंत उठाता है और वो जो है ऊपर की तरफ दौड़ जाता है ही आस्क हर टू फ्लो हिम क्विकली और इस तरह से वो बोलता है कि आप जो है मुझे फ्लो कीजिए मुझे पकड़िए जल्दी वेन आई वाज एज आई कुड रन अपन आई वाज एज आई कुड रन ऑफ अ हिल इन द सेम टाइम से दादी दादी यहाँ पे बोलती हैं कि जब जो है मैं तुम्हारे एज का था तो मैं जो हूँ सेम टाइम में जो है हील को भी मतलब कि रन अप कर सकती थी चढ़ सकती थी पिपुल गे भुट्टा ही वाज ईटिंग टू हिज मम्मी वास्ट हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी पिपुल से भुट्टा देता है ही वॉज ईटिंग टू हिज मम्मी अपने खाते हुए अपनी मम्मी को भी वो देता है वास्ट हिज हैंड्स एंड लिफ्ट लिफ्टेड लिटिल चुटकी और इस तरह से जो है वहाँ पे हाथ को वहाँ पे वो वास्ट करते हैं एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी और लिटिल चुटकी को जो है यहाँ से लिफ्टेड करते हैं सडनली चुटकी स्टार्टड क्राइंग इज हंगरी सेड मम्मी यहाँ पे जो है चुटकी जो है अचानक वहाँ पे वो चिल्लाने लगती है क्राइंग करने लगती है रोने लगती है जब जब वो पिपुल जो है उसको उठाता है लिफ्ट करता है वहाँ पे उनकी मम्मी सेट करते हैं कि सी इज हंगरी वो भूखी है सी सेट डाउन टू फीट चुटकी और वहाँ पे सी सेट डाउन टू फीट चुटकी और वहाँ पे बोझ जो है बैठ जाती है चुटकी को खिलाने के लिए वाई वॉज दादी डॉन सॉरी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर डाल स्टूडेंट्स यू ऑल्स हैव टू एंसर दिस क्वेश्चन कि दादी जो है ऊपर क्यों नहीं चढ़ सकती or uh, how does Dadi like to have her dal? Okay. So, dear students, here is some questions, and you also have to do yourself. Dear students, ask your elders and fill in the table as you all can see here. So, this was about thing.

स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इन्हीं सभी के बारे में आपको लिखना है व्हाट कैन दे ईट क्या वो खा सकते हैं बच्चे यहाँ पे क्या खा सकते हैं एंड व्हाट दे कैन नोट ईट और वो बच्चे यहाँ पे क्या नहीं खा सकते हैं एक एक चीज़ का नाम आप, आपको यहाँ पे लिखनी है स्टूडेंट मोस्ट ऑफ फूड इज़ आई जी कैन सी हेयर मेट ऑफ दिस थिंग्स डिपेंडिंग ऑन वाट ग्रोज इजली एट uh, which place different things are eaten at different places. इस मोस्ट ऑफ़ आवर फूड जो है वो इन्हीं सभी चीज़ों से बनी हुई होती है मिलकर और ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे जो है ये चीज़ें आसानी के साथ मिल जाती है तो वैसे जगहों में जो है इस चीज़ इससे बनी हुई चीज़ों को खाने के लिए मिल सकती है या मिलती है find out our sorry where each of these things is eaten more आपको यहाँ पे खोजना है कि इस तरह की चीज़ें जो है कहाँ पे ज़्यादातर खाने को मिल सकती है एंड हेयर विद नाट ओनली इच डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अप हैटी ऑफ फूड आइटम्स फाइंड आउट एंड राइट वट all ऑल कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम राइस wheat वी students आप सभी जानते हैं ऑलरेडी कि एक ही चीज़ से जो है बहुत सारी चीज़ों को फिर प्रीप्रेड की जाती है बनाई जाती है तो यहाँ पे जो है वीट और राइस है आपको यहाँ पे लिखनी है कि वीट और राइस से जो है चपाटी हलवा सॉरी सॉरी कैसी है कि वीट से जो है चपाटी हलवा बनाई गई है और इससे क्या बनाया जा सकता है आपको यहाँ पे राइट करनी है एंड राइस से क्या क्या बनाए बनाई जा सकती है आपको यहाँ पे राइट करनी है

लोगों के पास भी अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है किसी को कोई चीज़ पसंद होती है तो किसी को कोई चीज़ पसंद अदर से थिंग्स पसंद होते हैं लाइक होते हैं तो उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं लाइक एंड डिसलाइक राइट द नेम्स ऑफ थ्री फूड्स फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड थ्री दैट यू डिसक स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको लाइक like, मीन्स आपको कौन कौन से ऐसे फूड आइटम है जिसको आप पसंद करते हैं आपको यहाँ पे लिखनी है एंड किसको आप डिसलाइक करते हैं नहीं पसंद करते हैं खाना तो यहाँ पे आपको लिखनी है ओके आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक सिमिलरिटी टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर योर फ्रेंड्स क्या आपका डिसलाइक और लाइक जो है आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड के सिमिलर है एक जैसा है ये तो भी बातें आपको यहाँ पे जिक्र करनी है लेटस टॉक टू पीपल एंड नो दैट दे लाइक टू स्टूडेंट्स चलते हैं हम कुछ पीपल के बारे में पढ़ने जिसको जो है क्या क्या पसंद है लाइचिन आई लिव इन हॉन्ग कॉन्ग माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स वे नीवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स वी गो टू नियर बाई होटल एंड ईट लिंग हुई जोल्स कैन सीहर ली चैन जो कि हॉन्ग कॉन्ग में रहती है अपने मदर के साथ वो जो है स्नैक्स खाना पसंद करती है उसको अच्छा लगती है जब कभी उनको भूख फील मतलब की हंग्री फील होती है तो वो जो है स्नैक के लिए नियर आसपास के होटल में चले जाते हैं और लिंग हुन जाकर वो लोग कोई फूड है सब खाते हैं एंड सी इज़ जुन्नी आई लिव इन कश्मीर सी सेड हेयर आई लिव इन कश्मीर आई लाइक फीस इन मस्टर्ड ऑयल वंस वी हैड टू गोवा वी इट एट फीस There, but it इट टेस्ट वेरी different. My mother said that it was वी फीस कुक in coconut oil it had to be different ये कश्मीर में रहती है वो बोलती है कि I like fish cooked in mustard oil. Mustard oil में जो है उनको fish को पका कर खाना अच्छा लगता है एक बार वो जो है गोया गोवा गई वहाँ पे जो है वो मछली खाई जिसका टेस्ट जो है बहुत ही डिफरेंट अलग थी उनकी मदर बताई कि ये जो है समुद्र की फिश है और इसको जो है ककोनट ऑयल में पकाया कर बनाया गया है कुकड किया गया है जिसके चलते ये डिफरेंट लगती है एंड ही इज थॉमस ए कैन सी हेयर ही सेज हेयर आई लिव इन केरला आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स बोथ ग्रो इन कॉर्ट यार्ड वन ग्रोज ऑन टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड Topica विथ एनी करी मेर यूजिंग ककनट इट tastes वेरी गुड स्टूडेंट थॉमस की बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं केरला में रहता हूँ और मुझे जो है दो चीज़ें यहाँ की बहुत ही पसंद होती है लगती है अच्छी लगती है जो कि कोर्टयार्ड में हमारे कोर्ट यार्ड में ग्रो किए जाते हैं एक जो है टोल ट्री और एक जो है अंडरग्राउंड में जो है भजने वाली चीज़ें होती है ओके इट इज़ ग्रेट टू बॉयल टोप टो टेपी का विथ करी और इसको जो है कोकोनेट यूज़ करके बनाया जाता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है इसको जो है थोमस को जो है इन चीज़ों को जो है खाना बहुत ही अच्छा लगता है सो डी स्टूडेंट्स एस्टूडेंी हर की डाइवर्सिटी के अनुसार कल्चर के अनुसार मीन्स कल्चर डाइवर्सिटी के अनुसार और प्लेसेज़ के अनुसार एरियाज़ के अनुसार सभी लोग जो है अलग अलग तरह के चीज़ों को खाना पसंद करते हैं ओके सो यू ऑल्स हैव टू डू योर सेल्फ दिज एंसर क्वेश्चन थैंक्स